एसएससी सीजीएल अपेक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश पैसेज का भाग 3 शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम दो पैसेज पढ़ाए हैं, आप उसे जरूर पढ़िए। यह भी पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे निश्चित रूप से पढ़िएगा, यह आपके लिए बोनस हो सकता है। जितने भी पैसेज हम आपको पढ़ा रहे हैं, सभी के सभी पैसेज आप कम से कम एक दो बार जरूर पढ़ा कीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। India's economic fortunes continue to be tied to the sharply fluctuating price of oil at a gathering of prominent oil ministers in New Delhi on Monday. Prime Minister Narendra Modi urged oil producing countries to reduce the cost of energy in order to aid the global economy in its path towards recovery. Mr. Modi also called for a review payment terms demanding the partial use of the rupee instead of the US dollar to pay for oil in order to ease the burden on oil importing countries in the wake of the strengthening of the dollar. With well over 80% of its oil demand being met through imports, India clearly has a lot at stake as oil prices have risen by as much as 70% in rupees terms in the last 1 year. Notably, speaking at the same event, Saudi Arabian Energy Minister Khalid Al-Falih refused to openly commit to lower oil prices, opting instead to say that the price of oil could have been much higher but for the effort taken by his country to boost supply. This is not surprising given the absence of significant rival suppliers in the global oil market willing to help out India. Okay, देखिए पैसेज आप पढ़िए सबसे पहले एक दो बार, उसके बाद आप जो है आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, आइए देखते हैं। अब देखिए, इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्चून, भारत की अर्थव्यवस्था की जो मतलब इकोनॉमिक फॉर्चून है, वह जो है कंटिन्यू लगातार जो है तेल के उतार चढ़ाव, मतलब मूल्यों में तेजी से उतार चढ़ाव में यह जो है बधी हुई है। जो ये भारत की इकोनॉमिक फॉर्चून है, अर्थव्यवस्था जो है, वह जो है तेल के लगातार जो है तेजी से उतार चढ़ाव में से बधी हुई है। एट ए गैदरिंग ऑफ प्रोमिनेंट ऑफ ऑयल मिनिस्टर्स, जो प्रमुख ऑयल मिनिस्टर्स हैं, तेल मंत्री हैं, उनकी जो है मंडे को, सोमवार को दिल्ली में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो है बैठक हुई, उसमें जो है मिस्टर मोदी ने जो है अर्ज किया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से, जो ऑयल उत्पादक देश हैं उनसे जो है आह्वान किया टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऐड, ऐड मतलब होता है सहायता करना, द ग्लोबल इकोनॉमी इन द इन इट्स पाथ टूवर्ड्स रिकवरी, मतलब कि वैश्विक जो ग्लोबल इकोनॉमिक है, जो वैश्विक इकोनॉमी है, उसको अर्थव्यवस्था है, उसमें जो है उस इट्स पाथ टूवर्ड्स रिकवरी, मतलब कि उसको वसूली की ओर लाने में, उनको जो है सहायता करने में, कॉस्ट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए मिस्टर मोदी ने जो है आह्वान किया। मिस्टर मोदी आल्सो कॉल्ड फॉर ए रिव्यू पेमेंट टर्म्स डिमांडिंग द पार्शियल यूज ऑफ रूपी इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर, यूएस डॉलर की बजाय उन्होंने रूपी को आंशिक रूप से जो है पेमेंट भुगतान में रिव्यू का भी उन्होंने डिमांड किया, मांग किया। इन ऑयल टू पे फॉर ऑयल इन ऑर्डर टू इजी द बर्डन ऑन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कि स्ट्रेंथिंग ऑफ द इन द वेक ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑफ द
डॉलर, मतलब डॉलर के जो है मजबूती के बजाय उन्होंने इंपोर्टिंग जो कंट्री, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब तेल उत्पादक जो देश हैं उन पर भार न पड़े, बोझ न पड़े, उसको कम करने के लिए उन्होंने यूएस डॉलर, मतलब जो अमेरिकी डॉलर है, उसके बजाय उन्होंने रूपी को जो है भुगतान करने के लिए, पेमेंट भुगतान में जो है मांग की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, विथ वेल ओवर 80% ऑफ इट्स ऑयल, मतलब कि जो 80% ऑफ इट्स ऑयल डिमांड बीइंग मेट थ्रू इंपोर्ट्स, आयात के थ्रू जो है अपना जो ऑयल डिमांड है वो 80% के ओवर हो गया, के पार हुआ, इंडिया की लड़ी हैज लॉट क्लियरली हैज लॉट एट स्टेक एज ऑयल प्राइसेस हैव राइजन एज मच एज 70% इन रूपी टर्म्स इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब अंतिम 1 वर्षों में रूपीज में 70% की वृद्धि होने की वजह से, जो है लगातार वृद्धि होने की वजह से जो तेल प्राइसेस में जो वृद्धि हुई उससे जो है भारत जो है जो तेल प्राइस है वह दांव पर लगी हुई है। ठीक है, स्टेक एज ऑयल प्राइसेस हैज ए लॉट स्टेक एज ऑयल प्राइसेस मत हैव राइजन बाई एज मच एज 70% इन रुपीज टर्म्स इन द लास्ट 1 ईयर, नोटेबली नोटेबली विशेष रूप से स्पीकिंग, विशेष रूप से नोटेबली में विशेष रूप से स्पीकिंग एट द सेम इवेंट, मतलब सेम इवेंट मतलब दैट मीन्स ऑयल प्राइस पर ही सऊदी अरेबियन एनर्जी मिनिस्टर खालिद अल फली रिफ्यूज्ड, मतलब मना कर दिए ओपनली, मतलब खुलेआम कमिट टू लोअर ऑयल प्राइस, मतलब कि ऑयल प्राइस जो है तेल की दाम में कमी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कहने के बजाय उन्होंने साफ या मना कर दिया कि यह जो है भविष्य में जो है फ्यूचर में यह बढ़ सकता है, मच हायर, और अधिक हो सकता है। ठीक है, बट फॉर इफॉर्ट्स मेरा प्रयास है टेकन बाय इस कंट्री, मतलब हमारे देश का प्रयास है कि हम जो है आपूर्ति करें, सप्लाई करें। ठीक है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग गिवेन, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट रिवल सप्लायर, जो मतलब प्रमुख प्रतिद्वंदी सप्लायर, रिवल सप्लायर मतलब प्रतिद्वंदी सप्लायर्स हैं, आपूर्ति करता है, उनकी उपस्थिति यह जाहिर नहीं करती है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में, वैश्विक तेल बाजार में इंडिया को बाहर किया जा सकता है। ठीक है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है, तो इसका भी उन्हें डर, हमें डर सता रहा है। ठीक है, तो यह जो है पैसेज आप एक दो बार पढ़िए, आप जो है समझ जाएंगे और आप उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आप इसे पढ़ेंगे एक दो बार तो आप जो है उसका सेंस जो है समझ जाएंगे, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं और आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। आइए हम पैसेज और पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। India's policymakers now face the difficult task of safely steering the economy in the midst of the multiple external headwinds. For one, the current account deficit wended to 2.4% of gross domestic product in the first quarter of 2018-19 and is expected to reach 3% for the full year. The rupee, which is down about 16% since the beginning of the year, does not seem to be showing any sign of recovery either. Further, the growth is the sales of petrol and diesels has already been affected adversely as their prices have shot through the roof. All this will likely weigh negatively on the prospects of the Indian economy, the world's fastest growing, in the coming quarters. In this scenario, the decision to marginally cut taxes imposed on domestic fuels is unlikely to be of any significant help to consumers. What is required to steep cut in central and state taxes for the benefit to carry through the consumers, which of course is unlikely given the government's fiscal needs.
and the long-term solution of the oil problems will be increasingly tap into domestic sources of energy supply while simultaneously encouraging consumers to switch to green alternatives. Okay, देखिए India's policy makers जो हैं, जो नीति नियंत्रक हैं, वह जो है बहुत ही कठिनाई डिफिकल्ट टास्क को फेस कर रहे हैं और सेफली स्टेयरिंग इकोनॉमी इकोनॉमी को सुरक्षित ढंग से स्टेयरिंग मतलब चलाने में इन द मिडस्ट ऑफ द मल्टीपल एक्सटर्नल जो हेडविंड्स हैं उनसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रूप से चलाने में बहुत ही कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क का सामना करना पड़ता है. तो हेडविंड्स यहाँ देखिए ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है हेडविंड, यह जो है हेडविंड का मतलब क्या होता है. हेडविंड जो है यह इकोनॉमी के टर्म में क्या होता है, यह नेगेटिव सेंस इसका मतलब होता है. हेडविंड नेगेटिव सेंस होता है इसका मतलब. यह कॉस्ट प्राइस जो होती है वह जो है हमारी इकोनॉमी जो है वह डाउन होती है, समझ रहे हैं. तो वह जो है नेगेटिव की ओर हमें संकेत करता है. इसका जो अपोजिट साइन होता है, जो अपोजिट इसका होता है जिसको एंटोनिम्स कहते हैं, वह होता है टेलविंड्स. ठीक है, टेलविंड यह जो है पॉजिटिव साइन की ओर हमें सकारात्मक दिशा की ओर संकेत करता है. इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है वह जो है हमारी ठीक ठाक है, वह बढ़ रही है. तो हेडविंड जो है उन बहुत से जो हेडविंड है उसको जो है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रूप से लेकर चलने में जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क को फेस करना पड़ता है. दैट करंट अकाउंट डिफिसिट, जो करंट अकाउंट जो डिफिसिट है घाटा है, डिफिसिट मतलब होता है घाटा, विंडेड टू 2.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब घरेलू सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% हुआ. कब? 2018-19 के पहले क्वार्टर, पहली तिमाही में यह जो है जो करंट अकाउंट घाटा था वह सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% हो गया. इसकी जो उम्मीद थी यह कितना पहुंचने की उम्मीद थी फुल ईयर में 3% तक. ठीक है, द रूपी विच इज डाउन अबाउट 16%, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईयर्स मतलब शुरुआत वर्ष के शुरुआत में ही जो है जो रुपीस थी वह 16% डाउन थी. किस या जो है हम कहां यूज करते हैं डॉलर पर. तो डज नॉट सीम टू बी शोइंग एनी साइंस ऑफ रिकवरी आइदर, मतलब कि यह जो है किसी भी हालत में रिकवरी होने की हालत में नहीं थी, नहीं प्रतीत हो रही थी. फर्दर द ग्रोथ इज द सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो पेट्रोल और डीजल का जो है सेल है वह फर्दर मतलब आगे बढ़ ही रहा था, उसका उसमें बढ़ोतरी हो ही रही थी. ऑलरेडी हैज बीन अफेक्टेड एडवर्सली एज द प्राइस, उसके मूल्य में लगातार जो है वृद्धि हो रही थी. हैव शॉट थ्रू द रूफ, देखिए ये जो है टू शॉट थ्रू द रूफ का मतलब होता है टू शॉट थ्रू द रूफ का मतलब क्या होता है. थ्रू द रूफ का मतलब होता है इंक्रीज ग्रेटली, मतलब कि ये सेल्स के केस में है, मतलब कि जो मूल्य है वह उसमें बहुत अधिक मतलब ज्यादा ही मात्रा में बढ़ोतरी होना. ठीक है, ग्रेटली ये सेल्स के केस में होता है. तो आप इसे याद रखिए, ये क्या है, ये जो है एक एडियम्स है, टू शॉट थ्रू द रूफ. तो ऑल दिस विल लाइकली वे नेगेटिवली ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन, जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको यह जो है प्रभावित किया, जिससे मतलब कि नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ा. ठीक है, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द कमिंग क्वार्टर, जो अगला जो तिमाही आएगा, जो अगला तिमाही आने वाला है, इसमें भी जो है अधिक इसमें वृद्धि होगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी, इसमें
उस पेट्रोल डीजल के दाम में, ठीक है, मूल्यों में। इन दिस सिनेरियो में द डिसीजन टू मार्जिनली कट टैक्सेस इम्पोज ऑन डोमेस्टिक फ्यूल्स, जो घरेलू ईंधन है उसमें जो है कट टैक्सों में कट मार्जिनली कट करने का जो डिसीजन है वह अनलाइकली टू बी एनी सिग्निफिकेंट हेल्प टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए जो है वह संभव नहीं है, संभावित नहीं है, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टीप कट इन सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस फॉर द बेनिफिट टू कैरी थ्रू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के थ्रू जो बेनिफिट को मतलब उसको उपयोगों को जो लाना है सेंट्रल और स्टेट, जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट है उनके टैक्स में जो है जो कट करके कंज्यूमर्स के थ्रू जो उनको जो है लाभ प्रदान करना है, व्हिच ऑफ कोर्स शायद ही संभव हो सके। क्यों शायद ही संभव हो सके? अनलाइकली गिवेन गवर्नमेंट फिस्कल नीड्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल है, गवर्नमेंट का जो राजस्व है उसकी जो है बहुत उसकी उसको जरूरत है क्योंकि वह घाटे में, ऐसा हो पाना संभव कम है कि आप कंज्यूमर्स को लाभ प्रदान कर सकें, ठीक है। अनदर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो लंबा टर्म सोल्यूशन है ऑयल प्रॉब्लम की, विल बी इंक्रीजिंगली, मतलब कि बढ़ रहा है, टैप इनटू डोमेस्टिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाई, जो ऊर्जा सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई को जो डोमेस्टिक सोर्स है उनको टैप करने में बढ़ोतरी करने से होगा, व्हाइल सिमल्टेनियसली इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्विच द ग्रीन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो जो ये अंदर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो ऑयल प्रॉब्लम का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसको जो है इंक्रीजिंग टैप इनटू डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी सप्लाई, व्हाइल सिमल्टेनियसली इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्विच टू ग्रीन अल्टरनेटिव्स, ओके। आइए हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं और कुछ। दिस विल रिक्वायर ए स्ट्रॉन्गर पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द शॉर्ट टर्म। द गवर्नमेंट कुड लुक टू डाइवर्सिफाइंग इट्स इंटरनेशनल सप्लायर बेस टू मैनेज शॉक्स बेटर, बट सच च्वाइस कैरीज योर पोलिटिकल रिस्क, सच एज इन केस ऑफ ईरान, सिंस इट विल टेक ए लेंथ ऑफ टाइम टू वीन द इकोनमी ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स। पॉलिसी मेकर शुड ऑल्सो बी विलिंग टू थिंक बियॉन्ड जस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन, इफ इंडियाज ओवर रिलायंस ऑन ऑयल इज टू कम टू एन एंड फॉर गुड। तो देखिए, दिस विल रिक्वायर ए स्ट्रॉन्गर पॉलिसी मेकर, जो मजबूत नीति ढांचा और उसका क्रियान्वयन करना होगा, ठीक है, मजबूत नीतिगत ढांचा और उसका क्रियान्वयन करना होगा इसके लिए। और इन शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट टू लुक द डाइवर्सिफाइंग इट्स इंटरनेशनल सप्लायर, जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं उसके जो है विविधताओं को देखना है, बेस टू मैनेज शॉक्स बेटर, मतलब जो शॉक्स जो झटके लगे सरकार को उसको मैनेज प्रतिबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो जो है इंटरनेशनल सप्लायर को जो है डाइवर्सिफाइंग करेगी, उनकी विविधताओं को देखेगी, लुक करेगी। बट सच च्वाइस कैरीज जो पॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो भू राजनीतिक रिस्क है जो है सच इन केस ऑफ ईरान के केस में, सिंस इट विल टेक अ लेंथ ऑफ टाइम, सिंस इट विल टेक अ लेंथ ऑफ टाइम टू वीन, वीन मतलब होता है छुड़ाना, द इकोनॉमी ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स जो है से इकोनॉमी को छुड़ाने के लिए मतलब काफी टाइम लगेगा, ठीक है। पॉलिसी मेकर जो है, जो नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, शुड ऑल्सो बी विलिंग टू थिंक्स beyond just next election, मतलब election से अगले election से परे उनको सोचना चाहिए, सोचना होगा कि if यदि India's over reliance on oil, मतलब oil पर, मतलब तेल पर जो है उसकी निर्भरता जो है अंततः जो है अच्छी हो, अंत में जो उसकी निर्भरता हो अच्छी हो, इसके बारे में उन्हें सोचना होगा जो अगले election
से परे उन्हें सोच रहा होगा, ठीक है, टू कम एन एंड फॉर गुड, ठीक है, अच्छी हो। तो प्रश्न जो है आपका पैसेज है, उसके बाद आपके सामने प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द ओपिनियन ऑफ द रॉयल मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब कि जो पैसेज में इंटरनेशनल मार्केट मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑयल प्राइसेस को की बढ़ने के संदर्भ में सऊदी अरेबिया के ऑयल मिनिस्टर ने क्या अपनी राय दी थी। तो आप बताइए, ऑप्शन ए है द मिनिस्टर ऑयल मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया इज ऑफ द ओपिनियन, अपनी राय की दी कि दो दैट नो अदर कंट्रीज कंप्लेन रिगार्डिंग द ऑयल इंक्रीजिंग, मतलब कि जो ऑयल इंक्रीज हो रहा है दूसरे देश जो इसके संदर्भ में कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो भारत को भी नहीं करना चाहिए, इंडिया शुड नॉट कंप्लेन, इंडिया को भी नहीं करना चाहिए, यह गलत है। नेक्स्ट है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, देयर इज द नेशन एमंग यूएस एंड एलीज इन सऊदी अरेबिया कैन ऑलवेज कट डाउन द ऑयल प्राइसेस बट इट इज नॉट डूइंग, यह भी उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। There is no chance that oil prices will come down in the near future and actually everybody should thank Saudi Arabia that the oil prices are not higher than the present rates। मतलब कि उन्होंने यही कहा था कि फ्यूचर में भी जो है यह ऑयल प्राइस में कमी नहीं होगी, ठीक है, एक्चुअली एवरीबडी शुड थैंक, मतलब प्रत्येक आदमी लोग को जो है सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर को थैंक्स बोलना चाहिए दैट कि ऑयल प्राइसेस आर नॉट हायर देन द प्रेजेंट रेट्स, वर्तमान दर से जो है ऑयल प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो यही जो है इसका सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बाकी सभी इसके आंसर गलत हैं। तो सी इसका सही उत्तर हुआ, आप जो है इसे पढ़ के आप आराम से इसे उत्तर दे सकते हैं, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर हुआ सी हुआ, क्या हुआ इसका आंसर, इसका आंसर हुआ सी, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बाकी सभी के सभी गलत हैं, ओके। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप जो है इसे पैसेज को पढ़िए, उसके बाद जो है इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन that India is very much concerned with the oil prices in the international market। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों की वृद्धि, ज्यादा अधिक वृद्धि की वजह से भारत चिंतित है, इसका कारण क्या है, ठीक है। India is leading producer of oil, जो ऑप्शन है चार आपके सामने है, India is leading producer of oil and also leading economy in the country। भारत जो है तेल का जो है अग्रणी उत्पादक है और भारत में जो है यह अग्रणी इकोनॉमी भी है, ठीक है। तो आप जो है यह देख पाए हैं कि यह पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, भारत जो है तेल का अग्रणी उत्पादक देश नहीं है। दूसरा है द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, वैश्विक तेल कीमतें जो है भारत में नहीं बढ़नी चाहिए, दैट इज व्हाई, क्यों, इंडिया मस्ट नो द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित जो है वह प्राइस को उसे जानना है, ठीक है, जानना है, इसलिए जो है जानना चाहिए, इससे जो है इसकी वजह से भारत में जो है या ग्लोबल वैश्विक तेल कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, यह दूसरा तो बिल्कुल गलत है। इंडिया इंपोर्ट्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑयल डिमांड, मतलब कि भारत अपने ऑयल डिमांड जो है जो तेल मांग की मेजोरिटी पूर्ति को जो है वह इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करता है, आयात करता है, दैट इज व्हाई द प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से देश की आर्थिक स्थिति जो है प्रभावित होती है, इकोनॉमी प्रभावित होती है, इसकी वजह से वह जो है चिंतित है। देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन दैट इंडिया कैन ऑफ द सेल इट्स ऑयल ब्लॉक टू द कंट्रीज दैट वांट टू कम एंड टू डू बिजनेस इन इंडिया, मतलब कि भारत में वह जो है दूसरा ऑप्शन ये है कि वह जो है अपने ऑयल ब्लॉक को दूसरे देश को बेचना चाहता है जिससे वह आए और भारत में बिजनेस करें, यह तो डी वाला तो बिल्कुल गलत है, ऐसा वह नहीं, ऐसा
पैसेज में कुछ भी नहीं है। तो जो आप देख पा रहे हैं जो सी है, सी वह जो है इसका प्रश्न दो का सही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। प्रश्न दो का उत्तर जो हुआ हुआ सी। ठीक है, तो जो आंसर हुआ वह हुआ सी, सी सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बाकी सभी के सभी गलत हैं। ओके, इंडिया इंपोर्ट्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑयल डिमांड एंड दैट इज व्हाई द प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, आप ये सभी प्रश्न जो है निश्चित रूप से याद कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द मीटिंग ऑफ द ऑयल मिनिस्टर्स इन न्यू दिल्ली एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। मतलब कि निम्नलिखित में से वह कौन सा है ऑप्शन जिसमें जो है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वह ऑयल मंत्रियों के साथ मीटिंग में, जो न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो आवाहन किए थे, जो रिक्वेस्ट किए थे वह पैसेज में डिस्क्राइब है, वह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए है द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड दैट द इंडिया शुड बी मेड टू वेट फॉर मोर ऑयल सप्लाई। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि इंडिया को जो है ऑयल सप्लाई के लिए अधिक इंतजार करना चाहिए, सो दैट इंडिया कैन टैप द डोमेस्टिक रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जिससे कि इंडिया जो है ऑयल के प्रोडक्शन के लिए घरेलू जो घरेलू रिसोर्सेस हैं उनको टैप कर सके। ठीक है, तो ये जो है यह गलत है। ठीक है, ये ऐसा जो है आप पैसेज पढ़ेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऑयल मिनिस्टर्स के जो बीच मीटिंग हुई थी उसमें जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था यह गलत है। दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड दैट द सप्लायर्स ऑफ ऑयल शुड अलाउ इंडिया टू मेक अ पार्ट ऑफ इट्स पेमेंट इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू अवर्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि जो सप्लायर्स ऑफ ऑयल के जो सप्लायर्स हैं शुड अलाउ इंडिया टू मेक ए पार्ट ऑफ पेमेंट इन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब कि उन्हें अलाउ करना चाहिए इंडिया में टू मेक ए पार्ट ऑफ इट्स पेमेंट इन डोमेस्टिक, उनके घरेलू करेंसी में पेमेंट के लिए उन्हें अलाउ करना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, जो विनिमय दर है उसके उतार चढ़ाव को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए जो है डोमेस्टिक करेंसी है उसको पेमेंट में लाना चाहिए, भुगतान के प्रक्रिया में उसे उपयोग में लाना चाहिए। वह जो है ऑयल सप्लायर्स के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सभी तेल निर्यातकों के लिए सप्लायर्स के लिए। यही जो है राइट आंसर है। ठीक है, इसका बी देखिए, सी भी देख लीजिए। द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड दैट द इंडियन ऑयल कंपनीज शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑयल फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज। प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि जो घरेलू संसाधन हैं से तेल को अधिक मतलब प्रोड्यूस करना है, इसके लिए जो है भारत की जो तेल कंपनियां हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, होनी चाहिए। ठीक है, देनी चाहिए। Should be given proper training, उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, तो यह बिल्कुल गलत है। इसमें जो आपका आंसर हुआ बी, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आपका जो आंसर हुआ वह हुआ बी, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आपका आंसर बी, बाकी जो है गलत है। डी सी गलत है, ए भी गलत है। ओके, ये भी गलत है आपका, तो बी आपका सही उत्तर हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय
इन ऑर्डर टू एड्रेस द एनर्जी सप्लाई रिलेटेड इशू प्रिवेलिंग इन इंडिया। देखिए भारत में प्रचलित ऊर्जा सप्लाई ऊर्जा आप सप्लाई जो है जो आपूर्ति है उससे संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है दीर्घकालिक जो इसका सोल्यूशन है वह क्या है। ठीक है, तो आप बताइए चार ऑप्शन है। यह जो है भारत में प्रचलित जो ऊर्जा सप्लाई से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने के लिए जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वह क्या है। अब बताइए इसमें चार ऑप्शन है। ए है अ गवर्नमेंट शुड ओपन मोर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मतलब कि गवर्नमेंट को जो है अधिक ऑयल अन्वेषण कंपनी खोल देनी चाहिए जिससे कि कंपटीशन ना हो और एवरीबॉडी शुड बी एबल टू मेक प्रॉफिट, सभी मतलब लाभ हो सके। यह नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये इसका जो है सोल्यूशन नहीं है। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो ऑयल सप्लाई फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। गवर्नमेंट को यह फोकस करना इंश्योर करना चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए देयर इज नो सप्लाई फ्रॉम द ऑयल फॉरेन कंट्रीज से, जो विदेशी देश हैं उसे ऑयल सप्लाई नहीं करनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर नोबडी इज मेकिंग एनी लॉस। ओके, यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया शुड फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग द डोमेस्टिक रिसोर्सेस ऑफ ऑयल अवेलेबल इन द कंट्री, जो भारत मतलब देश में जो ऑयल अवेलेबल है उसके लिए घरेलू संसाधन को एक्सप्लोर करने के लिए जो है उस पर हमें फोकस करना चाहिए एज इम्पोर्ट्स आर क्रिएटिंग ऑल द इशू, जैसे कि जो आयात है वह सब उस पर सभी बहुत से इशूज बनते हैं। ठीक है, उस पर बहुत से इश्यूज बनते हैं। यह जो सी है सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है यही इसका सोल्यूशन है, मतलब जो देश में अवेलेबल तेल है उस डोमेस्टिक जो संसाधन है उसको हमें एक्सप्लोर करने चाहिए उस पर हमें फोकस करना चाहिए जिससे जो आयात पर जो है बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया शुड ट्राई टू डाइवर्सिफाई इट्स सप्लाई बेस सिंस मोर कंट्रीज शुड बी एडेड इन लिस्ट ऑफ सप्लायर्स टू द कंट्री। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी हुआ यही सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इसका सी उत्तर सही हो गया। ठीक है, बाकी जो है इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर हुआ सी, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बाकी गलत है, सी सही है बाकी गलत है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन, ए शॉर्ट टर्म स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर टू एड्रेस द इशू रिगार्डिंग ऑयल सप्लाई इन द कंट्री, मतलब देश में ऑयल सप्लाई जो है उसके रिगार्डिंग उसके संदर्भ में जो इश्यूज हैं मुद्दों पर जो है गवर्नमेंट को जो शॉर्ट टर्म मतलब जो है लघु कदम कौन सा स्टेप उठाना है, उसे शॉर्ट टर्म स्टेप कौन सा लेना चाहिए आपको यह बताना है। ठीक है, मतलब देश में ऑयल सप्लाई से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको उस सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म स्टेप कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, ऑयल सप्लाई से रिलेटेड, तो आप बताइए इसमें क्या होगा। देयर शुड बी सेपरेट मिनिस्ट्री टू एड्रेस द इशू पर्टेनिंग टू द ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए यहां इसका कहने का मतलब है कि जो देश में जो है तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जो है अलग अलग मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो है अदर दूसरी मिनिस्ट्री पर इसका भार ना पड़े। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एंगेज मोर कंट्री फॉर
exports from the country so that it take strike deals for imports of oil from all such country. Government ko jo hai engage hona chahiye, try to engage more bahut se deshon ke sath for export, matlab niryat ke liye, desh se niryat ke liye bahut deshon ko engage karna chahiye, jisse un sabhi ko us deshon se aap tel ko import matlab ayat करने की डील को स्ट्राइक कर सकें। जब आप निर्यात करेंगे किसी से, देशों को इंगेज करेंगे निर्यात के लिए, तो आप उनसे आयात करने के लिए उनसे स्ट्राइक कर सकते हैं। यह जो है प्रतिस्पर्धा की हो गई भावना, इसमें यह भी गलत हो गया। सी देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू कट डाउन द टैक्सेस ऑन वैल्यूएबल टर्म्स। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट, यह इंपॉर्टेंट इसको नोटिस करना है कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया कट डाउन, मतलब द टैक्सेस, टैक्सेस को कट डाउन करने के लिए ऑन द वैल्यूएबल आइटम, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जिससे प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल की जो प्राइस हो वो बढ़ सके। ठीक है, यह तो गलत हो गया, बिल्कुल सी भी गलत है। डी देखिए, द गवर्नमेंट शुड हैव मोर ऑयल सप्लायर। तो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत से, मतलब मोर ऑयल सप्लाई से अधिक ऑयल निर्यातक, मतलब आपूर्ति करता चाहिए, सप्लायर चाहिए, जिससे देश में, जिससे कि नो डर्थ ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, के सामने जो है कोई कमी ना हो। ठीक है, इस किसी भी ऑप्शन की कमी ना हो। तो गवर्नमेंट को जो है शॉर्ट टर्म के लिए देश में जो है ऑयल सप्लायर्स ज्यादा चाहिए, ऑयल सप्लायर्स ज्यादा चाहिए, जिससे गवर्नमेंट के सामने जो है कोई कमी ना हो ऑप्शन की। ठीक है, किसी ऑप्शन की। तो आपका जो आंसर यहां बन रहा है, यह जो है शॉर्ट टर्म के लिए डी बनेगा। डी से जो है वह ऑयल सप्लाई का जो मुद्दा है वह सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, डी का सही उत्तर हुआ। द Government should have more oil suppliers to the country so that there is no dearth of option in front of the government. तो जो आंसर हुआ वह हुआ डी, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी सभी के सभी इसके गलत हैं, इसके रिगार्डिंग। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वीन एज यूज्ड इन द पैसेज। आपको वीन का जो है सिनोनिम बताना है, इंप्रूव है, इंप्रोवाइज है, डिक्लेयर है, एलियनेट है। ठीक है, तब बताइए क्या होगा। देखो, इंप्रूव मतलब आप जानते हैं, इंप्रूव का मतलब होता है सुधारें। ठीक है, क्या होता है, सुधारें होता है। उसके बाद क्या है, इम्प्रोवाइज का मतलब है तात्कालिक व्यवस्था, यानी काम चलाऊ व्यवस्था करना। ठीक है, काम चलाऊ व्यवस्था, जो तात्कालिक व्यवस्था होती है काम चलाऊ व्यवस्था होती है। ओके, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज कहते हैं। अब देखो, डिक्लेयर का मतलब होता है जानते, घोषणा करना होता है। यह सभी नहीं होंगे। जो एलियनेट है इसका मतलब होता है विमुख करना, हटाना। ठीक है, विमुख होता है, क्या होता है, विमुख होता है, हटाना, विमुख करना। तो वीन का क्या मतलब होता है, वीन का मतलब होता है छुड़ाना। वीन का मतलब क्या होता है, छुड़ाना होता है। पैसेज में आप देखे होंगे, आपको मैं एक बताता हूं इसका मतलब। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, छोटा होता है, जब वह तो दो तीन साल का हो जाता है, जब थोड़ा सा खाने लगता है तो उसको जो है दूध छुड़ा दिया जाता है, वह उसको जो है खाने के लिए कुछ दिया जाता है, तो उसको भी कहते हैं वीन। वीन शब्द है वह, वीन मतलब छुड़ाना होता है। इस पैसेज में वीन आया है, तो वीन का मतलब होता है छुड़ाना। वह जो है एलियनेट है, उसको हम डिटैच भी कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम है डिटैच। डिटैच भी होता है अलग करना, छुड़ाना। तो ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हुआ वह हुआ एलियनेट। ठीक है, ये डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फ्लक्चुएटिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो है फ्लक्चुएटिंग शब्द का जो है अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मतलब आप जानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, उतार
चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव होता है ओके। अब आपको इसका जो है सिनोनिम बताना है। स्टेबल मतलब क्या होता है, स्टेबल ही इसका सॉरी इसका आपको एंटोनिम्स बताना है फ्लक्चुएटिंग का। तो स्टेबल जो है इसका एंटोनिम्स हो गया। स्टेबल मतलब आप जानते हैं, स्टेबल मतलब होता है अस्थाई होना। कंटिनेंटल महाद्वीप होता है। ऑक्सीलेटिंग मतलब होता है एक पेंडुलम होता है, आप देखे होंगे घड़ी में एक पेंडुलम लटका हुआ होता है, वो जो है एक निश्चित बिंदु के दोनों इधर उधर जो है टू एंड फ्रो इधर उधर गति करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं दोलन। एक दो वो एक लोलक होता है, वह दोलन करता है। ऑक्सीलेटिंग मतलब दोलन करना, ऑक्सीलेट मतलब। अस्टाउंडिंग मतलब क्या होता है, अस्टाउंडिंग शब्द आप सुने होंगे। अस्टाउंडिंग मतलब होता है अद्भुत होता है, विस्मयकारी, अति विस्मयकारी, अद्भुत, ठीक है, आप याद रखिए। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ ए, इज गोइंग टू बी राइट आंसर, स्टेबल। स्टेबल इसका जो है एंटोनिम्स हुआ। फ्लक्चुएटिंग का जो एंटोनिम्स हुआ हो गया स्टेबल। तो आपका जो आंसर हुआ ए, इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जितने आपके सामने जो 7 प्रश्न है सभी के सभी आप याद कीजिए और आपके लिए बोनस होंगे। मैं आपको 3 पेज पैसेज पढ़ाया हूं, तीनों पैसेज आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपको परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें निश्चित पढ़िए, मतलब कि आप दिन भर में एक दो बार जरूर पढ़िए, आपके लिए बोनस हो सकते हैं ओके। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। थैंक यू।